यमुनानगर खबर विशेष आगाज एक नई शुरुआत संस्था द्वारा बच्चों की सुरक्षा व प्राइवेट विद्यालयों द्वारा बच्चों व अभिभावकों के साथ मनमानी करने व शिक्षा के नाम पर आर्थिक शोषण पर अंकुश लगाने हेतु आज ज्ञापन SDM महोदय को सौंपा गया, जिसके बाबत यह लिखा गया कि सभी को अवगत है कि शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों में NCERT की किताबें लगवाने के दिशा निर्देश दिए गए हैं, परंतु प्राइवेट विद्यालयों द्वारा विभाग के आदेशों को दरकिनार करके प्राइवेट पब्लिशर की किताबें लगाई जा रही हैं। इन किताबों की कीमत NCERT की किताबों की तुलना में बहुत अधिक है। इससे अभिभावकों का आर्थिक शोषण हो रहा है और NCERT की बुक्स के अभाव में शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट आ रही है। NCERT की बुक्स को सख्ती से लागू करवाया जाए वो प्राइवेट पब्लिशर की बुक्स पर पूर्ण प्रतिबंध लगे। देखिए रिपोर्ट। और जो सरकारी स्कूल है उनको भी ख़त्म किया जा रहा है। मेरी इन्फॉर्मेशन में ये आया कि इसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर 100 ऐसे स्कूल हैं जिनमें एक ही शिक्षक नहीं है और 100 ऐसे हैं जिसमें सिर्फ एक शिक्षक है। उन अगर इस तरीके से गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर शिक्षक ही नहीं होंगे तो वो तो बंद हो जाएंगे, प्राइवेट चले जाएंगे और उसमें जितनी लूट होती है उन बुक्स तो लगनी चाहिए NCERT की, लेकिन वो प्राइवेट जो है वो उनकी किताबें बुक सेलर की खरीदते हैं और इतनी कॉस्टली है वो, लेकिन मजबूर होते हैं पेरेंट्स से लेने के लिए। और दूसरा ये फीसें अपनी मर्जी से बढ़ा देते हैं स्कूलों के अंदर। स्टाफ इनका लो पेड है जितना भी स्टाफ होता है, लेकिन फीसें इनकी सबसे ज़्यादा है। तो हम ज़्यादा तो जो इसी तरह से दिलाना चाहते थे कि जो लूट चल रही है बुक्स के नाम पर, वर्दियों के नाम पर, फीस बढ़ाने के नाम पर, दाखिला बढ़ाने के नाम पर, इसको ख़त्म किया जाए। और एक बात और, ट्रैफिक कितना सीरियस एक्सीडेंट हुआ है बच्चों का। हमारे एक यमुनानगर के अंदर भी एक छः सात साल की बच्ची का एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि जिस व्हीकल से वो आते हैं वो व्हीकल सफ़र करने के ट्रांसपोर्ट के काबिल ही नहीं है, लेकिन उनको कोई चेक नहीं करता, उनको देखता नहीं। इसी तरीके जो प्राइवेट स्कूल है उनके जो बसें हैं और उनके ड्राइवरों को देखा जाए, कोई ट्रेन ड्राइवर नहीं है। उनकी कोशिश क्या होती है कि जो सस्ते ड्राइवर उनको मिलते हैं ना उनको लगा देते हैं, और जिसका नतीजा ये निकलता है वो, क्योंकि उसके काबिल तो होते नहीं, वो एक्सीडेंट करते हैं। तो हमने ये तवज्जो दिलाई है इसके जरिए कि इनकी तरफ तवज्जो दी जाए और ये शोषण जो है ना शिक्षा के नाम पर जो हो रहा है इसको रोका जाए और बच्चों की सेफ्टी का ध्यान दिया। राहुल जी, जैसे हम अमूमन सुनते आए हैं जब ऐसी कोई भी इशू उठता है तो एक जनता में से ही धड़ा है जो ये कहता है जब बच्चों के पढ़ाने के लिए आपके पास पैसे नहीं है तो आप सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाओ, जिस लायक आपकी औकात है या जिस लायक आप कमाते हैं उस लायक स्कूलों में पढ़ाइए, लेकिन अच्छी और सुलभ शिक्षा पर तो सभी का अधिकार है। आप शिक्षा को बड़े या स्कूल छोटे स्कूल में नहीं तोल सकते, लेकिन अगर अभिभावक हैं उनके घर के पास कोई पास में ही स्कूल है वो प्राइवेट है तो कम से कम अच्छी और सुलभ शिक्षा पर तो सबका अधिकार होना चाहिए। देखो मैं एक बात कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, मैं भी शिक्षा से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। तो आजकल जो ये प्राइवेट संस्थान है उन्होंने शिक्षा का धंधा बना के रख दिया है, मतलब बिजनेस बना के रख दिया है। तो मैं तो ये कहूँगा कि इनको शिक्षा के अंदर पहले तो शिक्षकों को वहाँ भर्ती जो भर्तियाँ पेंडिंग बनी है उनको वहाँ पे जो खाली भर्तियाँ उनको भरना चाहिए, जैसे पंजाब के अंदर काम हो रहा है, दिल्ली के अंदर काम हो रहा है। तो हम तो यही कहना चाहेंगे, मैं यहाँ पे किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर ये शिक्षा व्यवस्था को सुधारना चाहते हैं तो पहले शिक्षकों की भर्ती होनी चाहिए और जो गोरख धंधा चल रहा है शिक्षा के आड़ में ये बंद होना चाहिए। जैसे हमारे बलबीर जी ने संस्थापक, हमारे आगाज के संस्थापक ने बताया, तो ये बहुत बिजनेस कर रहे हैं शिक्षा का, तो आजकल नाम खत्म कर दिया है उन्होंने। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।